फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एमपीएस ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है मैथ में हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे जैसे चैप्टर होते गए हम उसी तरीके से टेस्ट भी करते गए, ठीक है। दो दिन से हमारे चैप्टर 6 का टेस्ट चल रहा है, हाफ ऑफ एक्सरसाइज करके, ओके। आज मैंने लिया है बेस्ड ऑन चैप्टर 4 to 6, यानी कि एक टेस्ट पेपर बनाया हुआ है पेज नंबर 70, ओके। बुक में पेज नंबर 70 पे चैप्टर 4 to 6 से रिलेटेड एक टेस्ट पेपर बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें से मैंने मुझे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो हमारे एक जैसे नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। तो सभी में से 4 to 6 में से क्वेश्चन मैंने टेस्ट पेपर में से ले लिए, हम सॉल्व करते हैं, ओके। टेक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। ऑप्शन वाले व्हाट विल बी द अदर वे टू राइट 7 + 7 + 7 + 7, ठीक है। ये कोई ऐसी एक्सरसाइज आई थी ना जिसमें 7 + 7 करके मल्टीप्लाई वाला चैप्टर था ये, ओके। जब 4 times 7 आया 7 + 7 + 7, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो 7 × 7 लिखेंगे, नो 4 × 7, तो राइट क्या है ये 4 7 × 7 है, कितने टाइम आया है 4 times, तो क्या लिखेंगे 4 × 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फिल इन द ब्लैंक बॉक्स फिलिंग द ट्रैक ट्वाइस, ओके। इसमें देखिए 9 × बॉक्स ब्लैंक है -7 = 65, ठीक है। तो हम 9 से किसको मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसमें से 7 को निकालने के बाद हमारे पास 65 बचते हैं। तो ये क्या है, ये माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है। मैथ लेवलिटी टाइप का क्वेश्चन है कि हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसमें से 7 को निकाल दिया जाए और निकालने के बाद 65 आए, ठीक है। तो आप देखिए 9 × 8 - 7 आएगा, या 9 × 9 - 7 आएगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार सोल्व करके पढ़ना पड़ेगा कि हम इसको सोल्व करके देखें कि हम इसको सोल्व करके देखें, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं, पहले हमने 9 × 8 किया, तो 9 × 8 = 72 में से क्या निकालेंगे हम 7, ठीक है। अब 2 में से 7 जाएगा नहीं, हम यहां से निकालेंगे, कैरी करेंगे 1, यहां क्या होते रहिए 12, और 12 में से 7 ले तो 5, और यहां से हमने 1 दिया है, यहां क्या बच गया है 6, आ गया है ना आंसर, आ गया है ना 65, यानी कि हमारा राइट क्या है ये है, ठीक है, ओके। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 920 × 8, ठीक है। हम 920 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है, वो भी बिना ऐसे बताने के मैं बता दूंगी, लेकिन हमें क्या है, चाहे एमसीक्यू हो या कुछ भी हो, हमें क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो हम करके देखते हैं एक बार, ये तो 0 रहेगा, ये पता है आपको, ठीक है। 8 को 0 से करेंगे, 8 × 16 = 1, 8 × 9 = 72 और 1 = 73, ठीक है। आंसर कितना आया है 7360। अब हम देखते हैं इसमें है 7360, आंसर क्या है 7360, यानी कि दोनों में से राइट कौन सा है बी, ओके। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 × 13 / 10, 29 है रिमाइंडर, हमें क्या है इनका 8013 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका
कॉन्टिनेंट निकालना है और क्या नहीं निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो ये भी क्या करेंगे हम एक बार सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। क्या है थर्टी से करेंगे टेन, ठीक है। टेन एरिया एटी, आप एटी वन में से एटी निकाले वन बचा और थ्री हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। क्या उतारेंगे थ्री को हम नीचे उतारेंगे, क्या बन गया हमारे पास थर्टी। थर्टी में टेन से डिवाइड करेंगे तो टेन वन जा टेन, यानी कि रिमाइंडर कितना आया है थ्री। अब थर्टी में से टेन को निकालेंगे तो कितना बचेगा थ्री, तो इस तरह का है रिमाइंडर। फाइव ट्वेंटी नाइन तो आ गया है एटी वन, ये तो क्या है एटी वन, और ये क्या हो गया है रिमाइंडर क्या आया है थ्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश था ब्लैंक, ट्वेंटी फाइव इंटू ब्लैंक बॉक्स इक्वल टू थर्टी एट इंटू ट्वेंटी फाइव, ठीक है। इसके इक्वल इस ये है तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा थर्टी एट, ठीक है। क्या आएगा थर्टी एट, जब हम इन दोनों को करेंगे तो इसके अनुसार इसका इसका जो आंसर आएगा वो भी इसका आएगा, ठीक है, इक्वल टू। ओके तो यहाँ क्या मिस है थर्टी एट, ओके। तो ये क्या है पेज नंबर सेवेंटी पे दिया गया है, टेस्ट पेपर है चैप्टर फोर टू सिक्स तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सेवेंटी वन पे है कि टू पे है, सारी सेवेंटी टू पे दिया है वो क्या है बेसिक का है चैप्टर वन से लेकर के और चैप्टर सिक्स तक, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है हमारा रिवीजन भी हो जाता है, ओके। टेक केयर, के साथ पेज नंबर सेवनटीन पे जो टेस्ट पेपर दिया है मैंने उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए हैं, आप उसको पूरे को कम्प्लीट सोल्व करके देखना, ठीक है। तो हमारा क्या है चैप्टर फोर टू सिक्स का क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा।